हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का ब्लॉग मैं मेरा बेकरी रूम से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज पूरा दिन मेरा बहुत सारे काम है। तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह बेकरी का काम ख़त्म करती हूँ, उसके बाद जो अलग काम है सब कुछ काम धीरे धीरे से कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं टिफ़िन केक कटिंग कर रही हूँ, उसके बाद पैकेटिंग करना है। तो यहाँ पर मेरे पीछे पीछे मेरा जो बिल्ली है, सब कोई मेरे पीछे पीछे घूम रहे, तो मैंने सोचा कि इन लोग को थोड़ा सा खाने के लिए दे देती हूँ। तो ये क्रीम रोल है, ये लोग अच्छा से खा लेते हैं खुशी मन से। और दूध दे दिया, यहाँ पर दूध खा रहे हैं, धूप में यहाँ पर सोते हैं पूरा दिन, इसके अंदर खेलते हैं। और रात को बहुत ठंड लग गई थी इन लोगों को, तो थोड़ा सा आग जला दिया था। और ये इन लोग का दो बेड है, तो यहाँ पर दे दिया। तो यहाँ पर देखिए, एक एक करके मैं केक कटिंग कर रही हूँ और पैकेटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह मेरा डेली डेली चलता है। यहाँ पर फाइनली रेडी सब कुछ, बहुत ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं था। तो अभी मैं किचन में जा रही हूँ, तो किचन में आज लोबिया की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो ये रात भर भिगो कर रखी थी लोबिया, तो देखिए रात भर भिगो के रखेंगे तो इस तरह फूल जाएगा। तो यहाँ पर पानी दे दिया और इंडक्शन में बॉईल करने के लिए दे दिया। तो आप चाहे तो प्रेशर कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं। तो मैंने नहा के आ गई हूँ और काफ़ी लेट हो गया, एक बज गया है, दोपहर के एक बज गया है। और सुबह से बेकरी का काम, घर का काम, सब कुछ करते करते काफ़ी लेट हो गया। सुबह से मैं सोच रही हूँ कि कैमरे के सामने आऊँगी, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। नहा धो के आ गई हूँ और थोड़ा सा बाल को धो दिया हूँ और दोनों साइड में कढ़ाई चढ़ा दिया हूँ। फटाफट से कुकिंग कर लूँगी, तो लोबिया की सब्जी बनाऊँगी इस तरफ और उस तरफ फिश करी बनाऊँगी। फिश करी जैसे नॉर्मली डेली डेली हम लोग खाते हैं, इस तरह बनाती हूँ। कोई रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, लेकिन लोबिया की सब्जी जो रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और मेरा बेटी वेज खाना खाती है ना, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा अलग अलग कुछ टेस्टी खाना बनाने के लिए। गर्म हो गया है, इसके अंदर ऑयल डालेंगे। सरसों की ऑयल से भी बना सकते हैं और नहीं तो फिर वाइट ऑयल से भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सरसों की ऑयल ले लिया हूँ। तो यहाँ पर छोटा सा दालचीनी मैं इस तरह तोड़ दिया हूँ और दो इलायची को भी तोड़ दिया हूँ इस तरह, और दो अनियन को बारीक काट कर लिया इस तरह। तो अनियन ब्राउन ब्राउन करके फ्राई हो गया है। इसके साथ अभी मुझे डालना है एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब ज़्यादा मसाला खाएंगे तो ज़्यादा मसाला डाल सकते हैं। तो मसाला अच्छा से भुनना हो गया, एक टमाटर डालूंगी अभी, ये भी अच्छा से फ्राई हो जाएगा। उसके बाद देना है मुझे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर एक चम्मच, और घर का बना हुआ लाल मिर्च की पाउडर। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा मिर्ची दे दिया हूँ, क्योंकि मेरा बेटी को पसंद है। तो आपको ज़्यादा मिर्ची पसंद नहीं है तो कम डाल सकते हैं। तो अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है। तो मसाला में ऑयल निकल आया है, तो अभी मैं डालूँगी उबल हुआ लोबिया और उबल हुआ पानी। तो आप चाह सकते हैं तो पानी को स्किप कर सकते हैं। मैं सब कुछ डाल दिया एक साथ, बॉईल के टाइम में थोड़ा सा नमक डाली थी, अभी टेस्ट करके और नमक देना है मुझे। पानी डालना है क्योंकि लोबिया और मसाला एक साथ मिक्स हो गया अच्छा से। गर्म पानी मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर। ये थोड़ा से उबल जाए तो फाइनली रेडी, लोबिया की सब्जी रेडी। तो सिर्फ तड़का लगाऊंगी, तड़का में घी, देसी घी ले लिया, गरम हो गया है। एक लाल मिर्च को तोड़ के यहाँ पर दे दिया, और एक्चुअली जीरा जब मैं डाली ना उस टाइम वीडियो करने के लिए भूल गई, तो यहाँ पर गोटा जीरा दे सकते हैं आप। और इसमें थोड़ा सा गार्लिक,
आप चाहे तो गार्लिक को स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये गार्लिक मेरा बेटी बहुत पसंद करती है, तो इसीलिए थोड़ा सा गार्लिक दे दिया मैं यहाँ पर, और थोड़ा सा धनिया की पत्ता। तो इसका खुशबू बहुत अच्छा आता है गाइस, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप घर में एक बार बना के ट्राई कीजिए, रोटी के साथ और फिर राइस के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो अभी मैं यहाँ पर रूह पीस दो पीस ले लिया हूँ, एक रेड चिली तोड़ के दे दिया, और रांधुनी हम लोग बंगाली में सुमरा कहते हैं इसको, और इमली को इस तरह पानी के साथ मिक्स करके खट्टा बना रही हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड को पसंद है, तो इसीलिए मैं आज बना दिया। एक्चुअली मेरा बेटा नहीं खाता है, इसीलिए मेरा हस्बैंड और मेरा दो पीस इसीलिए बना रही हूँ। इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चीनी डाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा लगता है फिर। और इस तरह देखिए ग्रेवी हो गया, बहुत अच्छा लगता है। के लिए यहाँ पर सब कुछ रेडी है, ये फिश इमली के साथ, ये सुबह का थोड़ा सा आलू भाजी है, और ये रायता बैंगन और बोड़ी के साथ, प्याज के साथ, कच्चा प्याज के साथ रायता, और फिश करी आलू के साथ, और ये है लोबिया। एक्चुअली इतना अच्छा अच्छा लंच, मतलब सब्जी फिश ये सब देखे ना, और रहा नहीं जा रहा है। तो अभी मैं लंच करूँगी, और मेरा हस्बैंड भी आ गया है, फटाफट से लंच करके उनका काम है, बाहर जाएंगे, तो इसीलिए मैं अभी कोई भी वीडियो नहीं बनाऊँगी, तो खाने के बाद बात करेंगे। लंच हो गया, लंच करने के बाद किचन क्लीन कर चुकी हूँ, बाहर जो कपड़ा सुखाई थी सब कुछ घर के अंदर ले लिया हूँ। तो अभी मैं एक्चुअली कुछ अनबॉक्सिंग करूँगी, पहले देख लीजिए उसके बाद मैं बता रही हूँ। हाँ, I've been dreaming on in my head like I've seen it a life। तो एक्चुअली इसके अंदर ना ढेर सारे फ्लावर आया है, तो क्या है मैं चलिए दिखाती हूँ। यहाँ पर नहीं दिखाऊंगी, तो मैं जा रही हूँ अभी जो हमारे जो फैक्ट्री है ना, छत के ऊपर से मैं थोड़ा सा फोटो क्लिक करूंगी आपके साथ, वहाँ पर जाके शेयर कर रही हूँ। चलिए I've been dreaming on in my head like I've seen it, a life worth living is a life with meaning, I'll do what I love till my heart stops beating, I'm feeding this demon, got a taste, can't erase bitterness in my face, work a job every day till your dreams fade away, like a card never change, play the game that we say। मेरा फोटो शूट करने वाले है इस कैमरामैन ने। तो मैं आ गई हूँ फैक्ट्री के छत के ऊपर, देखिए यहाँ के व्यूज बहुत अच्छा लगता है मुझे और आप सबको भी। तो मैं यहाँ पर जब भी वीडियो करती हूँ ना, बहुत जन मुझे कमेंट करते हैं कि तुम्हारा फैक्ट्री का छत के ऊपर बहुत अच्छा व्यू है। अच्छा, तुम उड़िया बंगाली सब कुछ मिक्स करके बात कर रहे हो, तरबूज बादाम सोसा खीरा। तो ये जो ज़मीन देख रहे हैं ना, यहाँ पर बहुत सारे खेती बागन होता है, मतलब तरबूज होता है, खीरा होता है, और धान तो धान होता है। फुटी को क्या कहते हैं? फुटी कहते हैं। इसके अंदर क्या है? ओह, तो एक्चुअली मैं यहाँ पर एक फ़ोटो शूट करने के लिए आई हूँ, और जो अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाई ना, आप जाके भी इंस्टाग्राम में देख सकते हैं, होममेड चीज़ है, मतलब लेडीज़ लोग घर में बना के बेचते हैं, आप जाके लीजिए, बहुत सस्ता है और बहुत अच्छा क्वालिटी की भी है। तो मेरे लिए भेजे हैं उन्होंने, तो किस तरह यूज करेंगे आप, बालों में भी यूज कर सकते हैं, हाथों में भी, जो हाथों में भी स्टाइल में इस तरह फ़ोटो खींच सकते हैं। और तो आप लेंगे बहुत अच्छा अच्छा कलर की है, एक ब्लू कलर की है, पिंक कलर। तो मेरे लिए 6 पीस भेजे हैं, तुम्हारे लिए देखिए, ये फ़ोटो खींचेंगे क्या, यहाँ पर सो गए हैं, तुम्हारे लिए क्या। हाँ, तो आप मेरा इंस्टाग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाके उनका भी लिंक मैं मेरा इंस्टाग्राम में मैं दे दूँगी, आप जाके चेकआउट कीजिए। और एक्चुअली बहुत अच्छा क्वालिटी की है, ये कॉटन की है, बहुत मतलब घर में लेडीज़ लोग क्या करेंगे, इस तरह बैठ के बिजनेस करते हैं, अच्छा लगता है।
फैक्ट्री से आ गई हूँ और आने के बाद थोड़ा सा घर का काम मैं कर रही थी। तो एक्चुअली बहुत सारे सूखा कपड़ा यहाँ पर है, कल सुबह फोल्ड करूँगी क्योंकि आज मन नहीं है। आर्यन यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठ गया है, काफ़ी ठंड है आज बाहर। तो अभी चलिए और एक रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करूँगी, बादाम आलू प्याज के साथ पातोली। तो मैंने यहाँ पर 3 पीस आलू इस तरह लंबा लंबा करके कटिंग कर लिया, प्याज और ग्रीन चिली और यहाँ पर बादाम जीरा और 2 सूखा मिर्ची ग्राइंड कर दिया था। एक साथ सब कुछ मिक्स कर रही हूँ और ऑयल डाला, कच्चा ऑयल, थोड़ा सा नमक, जितना नमक टेस्ट अनुजाई डालिएगा। तो जब भी कुछ भी मैं मिक्स करती हूँ तो एक्चुअली स्पून से इतना अच्छा मैं मिक्स नहीं कर पाती हूँ, तो इसीलिए हाथों में मिक्स कर रही हूँ। और गाइस आपके पास जो भी है ना, आप पातुरी बना के खाइए, इस टाइम में पातुरी खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा गर्मी का सीजन आ जाएगा ना, पातुरी इतना अच्छा नहीं लगता है खाने के लिए। विंटर का सीजन में या सर्दी का मौसम में बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। और इस तरह आप गैस में भी बना सकते हैं और थोड़ा सा कला की पत्ता को मैं सेक के सब कुछ मिक्स डाला था और कढ़ाई में ऑयल डाल दिया हूँ और टेस्टीज में मैं बना रही हूँ। तो आप चाहे तो गैस चूल्हा में भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स डिनर तैयार हो गया है, यहाँ पर मैं रोटी बना लिया, गरम गरम रोटी और दूध और ये बादाम की पातूरी। एक्चुअली जब से हुआ है ना, मेरा हस्बैंड थोड़ा सा खा लिए हैं मुरमुरा के साथ निकल के, बहुत टेस्टी हुआ है। और ये गुड़ की खीर और इसमें है दोपहर के टाइम में जो बनाई थी ना लोबिया, ये है। तो अभी गाइस हम लोग डिनर करेंगे और डिनर करने के बाद मैं वीडियो एडिटिंग करूंगी और अपलोड करूंगी आप सबके लिए। और एक्चुअली जो दांतों ग्रामीण मेला की जो वीडियो मैं अपलोड की थी ना, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला मुझे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एक न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।